न्यूज़ क्लिक में आपका स्वागत है। पल्स ऑफ इंडिया, जनता की नब्ज़ को टटोलने के लिए हम पहुंचे पश्चिम बंगाल के राजधानी कोलकाता में। यहां चुनाव बहुत सरगर्म है और जिस तरह से ईश्वरचंद विद्यासागर की मूर्ति तोड़ी गई, अमित शाह की जो रैली निकल रही थी, जो रोड शो था, उस दौरान जो हिंसा हुई और भाजपा और बाकी गुंडों ने जिस तरह से हमला किया, मूर्ति को तोड़ा और उसके बाद की जो राजनीति है वह बहुत बड़े सवाल उठाती है। ईश्वरचंद विद्यासागर बंगाल रिनेसा के एक बहुत बड़ा चेहरा है जिसके बारे में भाजपा को शायद बहुत कम पता है और जिस तरह की बयानबाजी उसके बाद हुई, जिसकी भरपाई नरेंद्र मोदी अपने बयानों से करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ममता ने इस मामले में एक एज ली है। कोलकाता में क्या मूड है, यहाँ पर किस तरह से लोग चुनाव को देख रहे हैं, उनके मुद्दे क्या हैं, इसके बारे में हम करेंगे पड़ताल। बंगाल से तो ममता दी आए, बंगाल में ममता मोदी जी इधर नहीं आ पाएंगे। अभी जो भी है सभी लोग का मुंह से सुन रहा हूँ कि आपका ममता दी आएगी। ममता दी हाँ, काम भी बहुत अच्छा करती है ना। यहाँ का जो हाल जो है हम लोग का बंगाल का, यहाँ पर किंतु ममता स्ट्रांग है, इसको साथ में है, जनगण जनगण है, इसको साथ में पब्लिकली सपोर्ट ज़्यादा है। आज से 5-7 साल पहले एक काम बुरा हो रहा है, जो 5-7 पहले हम लोग 40 रुपया डीजल 50 रुपये पेट्रोल में हम लोग गाड़ी चलाए थे, अभी से वही पेट्रोल डीजल 80 रुपये का नज़दीक आ चुका है। पहले 20 रुपये किलो में चावल खाए हैं हम लोग, वही चावल आज 40 रुपये किलो में खाना पड़ रहा है। क्यों हो रहा है हमको समझ में नहीं आ रहा है। बंगाल में जो अभी इलेक्शन होने वाला है, ये तो दीदी ने पूरा एकदम ख़त्म करके रखा है हम लोग का गाड़ी के लिए। जो 8 साल में 2008 में आपको एक तो सर्कुलर निकला था, जो गाड़ी का कोई रेट अभी तक भरा नहीं। हमारे यहाँ पे जो हो रहा है तो हम नागरिक को चाहिए जो कौन अच्छा काम करता है। हाँ, मैं एक स्टूडेंट हूँ तो इसलिए मेरा जो जाने आने का जो रास्ता है, मेरा कॉलेज पे जाने का, उससे कोई प्रॉब्लम ना हो, जो जॉब वगैरह है वो अच्छे स्टूडेंट को मिल जाए सिर्फ पैसों के लिए। यहाँ पर किसका शोक ज़्यादा है? इसका तृणमूल ज़्यादा है, इसमें तृणमूल का, तृणमूल का ज़्यादा है। स्वर्लिंग में और इधर उन्हें जाना का है। अच्छा, और जो बीजेपी प्रचार कर रही है उसका कैसा है? बीजेपी स्ट्रॉन्ग है, तृणमूल का स्ट्रॉन्ग है, बीजेपी स्ट्रॉन्ग नहीं है। यहाँ पर जो अभी हमला हुआ और जो मूर्ति तोड़ दी गई परसों, वो कैसे आप देखते हैं, क्योंकि उसको लेके बंगालियों में काफ़ी नाराजगी है। हाँ, तो विद्यासागर तो हमारा आइडल है, तो जो हुआ खूब बुरा हुआ, अच्छा नहीं हुआ, ऐसा लोग सोचते हैं। हाँ। लोगों को विद्यासागर पता है। हाँ। बंगाल में तो विद्यासागर का तो अलादा कदर है, क्योंकि भाजपा ने कहा कि विद्यासागर ऐसा इम्पोर्टेंट नहीं है, प्रधानमंत्री ने नाम भी नहीं लिया। ना, वो झूठ बोला। वो विद्यासागर अवा क सीखा, विद्यासागर का बई से अवा क सीखा, इसलिए विद्यासागर मेरा आदर्श है। आपके भी आदर्श है। हम पार्टी नहीं देखता, हम काम देखता है। जिनका काम अच्छा, जिनका काम अच्छा है उनको ही देखता है। अभी तो देख रहा ममता दीदी का काम अच्छा ही हो रहा। यहाँ क्या हो रहा है कि दोनों से देखा जा रहा है कि भाई दलित को कभी भी सम्मान की नज़र से नहीं देखा जा रहा है, उसके साथ अत्याचार किया जा रहा है, हिंदू मुस्लिम वाली कहानी को अलग बंटवारा किया जा रहा है। तो कुल मिला के देखा जाए हमारे समाज के लिए तो बीजेपी ने कुछ नहीं किया है, लेकिन जितने सालों से देख रहे हैं कि हमारी सरकार या TMC की जो सरकार है वही हमारे बारे में सही सोच रही है, तो हम सोचते हैं कि हम TMC को ही वोट देंगे। जो भी यहाँ पर चल रहा है, हमारी दीदी की ओर से, श्री ममता जी की ओर से बहुत सुविधाएँ हमको मिली हैं और बेटी के लिए सुविधा मिली है, और साफ़ सफाई का भी बहुत ख्याल रखा गया है, पानी के लिए भी, पानी बिजली ये मेन चीज़ें होती हैं, इनके लिए बिजली भी हमको बराबर मिलती है और सफाई भी बराबर हो रही है और पानी भी हमारे लिए उपलब्ध कराया जाता है, ऐसा कोई प्रॉब्लम हमको नहीं है। दीदी की तरफ से बहुत अच्छा। देखिए क्या हो रहा है ना कि बीजेपी ने ठान लिया है कि बनी बनाई एक सरकार को मिटाना है, और इसके ऊपर में एक गलत तरह से लोग ये देखना चाह रहे हैं कि आज वो मूर्ति तोड़ने की बात चल रही थी, ये खुद अपने आप षड्यंत्र रच रहे हैं
ये लोग खुद अपने ही कैंडिडेट को उसमें बिठा दे रहे हैं, उनके कपड़े पहना दिए जा रहे हैं और इसको तोड़ ताड़ के निकाल दिया जा रहा है। तो इसके ऊपर में इल्ज़ाम आ जाए क्या, यहाँ की सरकार के ऊपर में इल्ज़ाम आ जाए, तो वो हमारी बनी बनाई सरकार के ऊपर में अटैक कर रही, इसको तोड़ के वो क्या साबित करेगी? किसका नाम ज़्यादा चल रहा है? बीजेपी का। अच्छा, बीजेपी से क्या फ़ायदा लगता है? बहुत जगह सुनते चले आए हैं, टीवी में देखते चले आए हैं कि बहुत जगह गाँव में बिजली नहीं था, शौचालय नहीं थी और जो गैस की जो साफ सफाई थी ज़्यादा, वो सब के लिए भाजपा जी ने बहुत ये किया है। ममता और मोदी में अगर चुनना होगा तो किसको चुनेंगे आप? बीजेपी। ममता के खिलाफ क्या चीज लगती है आपको कि वो मोमडन का? मोमडन का बहुत सपोर्ट लेते हैं। मोदी रहेंगे या जाएंगे, क्या लगता है? मोदी रहेंगे। मोदी रहेंगे, क्यों रहेंगे, क्या कारण है? खाली बंगाल पर तो निर्भर नहीं है मोदी जी। नहीं नहीं, वैसे मैंने कहा बंगाल को छोड़ दीजिए, बाकी क्यों रहेंगे? वो अच्छा काम किए। क्या क्या? जैसे क्या है, पाकिस्तान में जो स्ट्राइक हुआ, जो सैनिक हम लोग के मारे गए, हमारे बंगाल में हमारे वाल्मीकि बस्तियों में भाजपा की पकड़ नहीं है, परंतु दूसरी बस्तियों में ज़रूर हैं, परंतु हमारे इसमें जो वाल्मीकि कम्युनिटी है उस बस्तियों में बहुत कम है। भाजपा जो भी कह रही है, क्योंकि हम लोगों ने भी प्रचार किया है जाके, तो हम लोगों ने भी हकीकत बताया है अपने सफाई कर्मचारियों को कि ये 5 सालों में जो मोदी जी ने किया, हमने बताया जो 2 करोड़ नौकरी देने वाले प्रधानमंत्री ने हम लोग को चाय बेचना सिखा दिया, पकौड़ा तलना सिखा दिया, हम लोग को चौकीदार बना दिया, तो ऐसा तो प्रधानमंत्री सर पहली बार ऐसे देश में आया। दीदी जैसे सबाई के लिए चले, हिंदू मुस्लिम ख्रिस्टान दीदी सबको लेके चलता है, इसलिए वो पार्ट एक सही है। मोदी का इस तरह से, माने मोदी का ना, उनका पार्टी का सब जाति के साथ वैसा ये नहीं है। इसलिए भाजपा ने इलेक्शन से पहले अपने सफाई कर्मचारी जो कमीशन है, कमीशन से उन्होंने अपने मेंबर भेज के बस्तियों में उन्होंने एक खबर सब जगह फैलाई कि पश्चिम बंगाल में 30 लाख सफाई कर्मचारियों को घर मिलेगा। आप सिर्फ भाजपा को जिताइए, आपको सफाई कर्मचारियों का 30 लाख घर बना के यहाँ दिया जाएगा, आपको रोज़गार दिया जाएगा। ये भाजपा के जो भी कमीशन से मेंबर आते थे उन लोगों ने ये प्रचार करके गए यहाँ। ईश्वरचंद्र विद्यासागर का बहुत बुक हम लोग ने छोटे छोटे टाइम से पढ़ के बड़ा हुए हैं, तो उसका वो ये चीज़ कहना गलत है। आपको ज़्यादा नफरत नहीं है? नहीं। अभी जैसे ममता के खिलाफ बीजेपी या मोदी बोलते हैं कि वो मुसलमान के बारे में ज़्यादा बात करती है, ऐसा क्या हिंदू को लगता है, आपको लगता है, आप भी हिंदू हैं, आपको लगता है कि ममता गलत कर रही है? ना, गलत नहीं कर रही, क्योंकि ज़्यादा प्रायोरिटी मिल रहा है मुस्लिम लोगों को, ज़्यादा मिल रहा है। जैसे प्रायोरिटी थोड़ा ज़्यादा दे रही है, हम नहीं बोल रहे ज़्यादा दे रहे हैं, हम लोगों को कम दे रहे हैं इसलिए हम लोगों को जेलस फील हो रही है, ये बात नहीं है, थोड़ा तो ज़्यादा। पहले कोई पार्टी मोमडन के लेके उतना नहीं चलता था, दीदी जितना चल रही है बस। 5 साल में तो दीदी काम नहीं कर रहा था, अभी तो काम कर रहा है, मोदी सरकार आने के बाद घर दे रहा है और बाथरूम भी दे रहा है, सब कुछ दे रहा है, इसलिए आपका बीजेपी का पल्ला थोड़ा सा भारी है। जयनगर लोकसभा में थोड़ा बीजेपी का पल्ला भारी है, जीतेगा शायद टीएमसी ही जीतेगा। आप ऐसे यंग लोग जेनरेशन आपका बीजेपी थोड़ा देखना चाहते हैं, ये क्या करेगा, बंगाल में कितना काम करेगा। एक बात बहुत साफ उभर रही है कि भाजपा संघ नरेंद्र मोदी और अमित शाह पश्चिम बंगाल को दूसरा गुजरात बनाने की तैयारी कर रहे हैं। जिस तरह का ध्रुवीकरण, जिस तरह की नफरत ऊपर से लेकर नीचे तक यहाँ फैलाया जा रहा है, फैल रही है, उससे आने वाले दिन बहुत डरावने लगते हैं। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पूरे पैर जमाए हैं, अमित शाह ने पूरा पैर जमाया है, उससे यह भी साफ है कि उत्तर प्रदेश और बाकी इलाकों में जो नुकसान भाजपा को हो रहा है उसकी भरपाई करने के लिए वह कुछ भी करने को तैयार हैं। ईश्वर चंद विद्यासागर पर हमला यूं ही नहीं है, यहाँ वाम और सेकुलर ताकतों के लिए लड़ाई बहुत कठिन है, क्योंकि भाजपा का प्रचार प्रसार नीचे तक गया है। हालांकि आज की तारीख तक ममता बनर्जी की पकड़ पश्चिम बंगाल पर मजबूत है।